अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन निबंध स्वरूप से बोलने वाला हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने में सहायता करेगी। यदि आपकी स्पीड किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही है, या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है, तो अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। भारत में रिटेल क्रांति के कई कारण हैं जिनका सम्मिलित प्रभाव इस क्रांति के लिए जिम्मेदार है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पूंजी के प्रभाव में वृद्धि हुई है। पूंजी का यह प्रभाव खुदरा बाजार, जो अब उद्योग रूप धारण कर चुका है, पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में लोगों की आय में वृद्धि हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 78,690 रुपये वार्षिक है। लोगों की आय में बढ़ोतरी से उनकी क्रय शक्ति में जबरदस्त उछाल आया है। बाजारों की निरंतर बढ़ती चमक दमक इस बात को दर्शाती है कि लोगों की खर्च करने की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। खर्च की आदतों में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक है। आम भारतीय की मानसिकता पर उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी अपना प्रभाव डाला है। अब लोग अनावश्यक खरीदारी भी करने लगे हैं। पहले उपभोक्ता आवश्यकता के अनुरूप ही खरीद फरोख्त करते थे, वहीं अब आवश्यकता के साथ साथ प्रदर्शन की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर भी वस्तुओं को खरीदते हैं। कुछ लोग तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी खरीदारी करते देखे जा सकते हैं। कुछ नवधनाढ्य लोगों में अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करने का उन्माद दिखाई पड़ता है। संचय की प्रवृत्ति को बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति ने पीछे छोड़ दिया है। बाजार में उपलब्ध आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने की होड़ लगी हुई है। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव और युवाओं में उसकी बढ़ती अंधानुकरण की प्रवृत्ति ने खुदरा बाजार को प्रभावित किया है। तेजी से बढ़ती शहरी संस्कृति के फलस्वरूप बाजार के प्रति लोगों की रुचि में वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार की
बढ़ती प्रवृत्ति ने खुदरा बाजार के महत्व में बढ़ोतरी की है, क्योंकि एकल परिवार में घर का प्रत्येक सदस्य कमाता है। पति पत्नी दोनों तो कमाते ही हैं, बड़े होने पर बच्चे भी कमाते हैं, इसलिए परिवार की आय में वृद्धि हुई है। आय के बढ़ने के साथ साथ खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इतना ही नहीं, भारत में मध्यम वर्ग का उदय भी तीव्र गति से हुआ है। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग सा दिखने की लालसा में बचत करने की अपेक्षा खर्च करने में विश्वास करता है। उसकी नस नस में उपभोक्ता संस्कृति घर कर गई है। विशेषकर मध्यम वर्ग के युवा वर्ग का रुझान बाजार के प्रति बढ़ा है। इसी के अनुरूप बाजार की पहुंच भी बढ़ी है और बाजारवाद भी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बाजार उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु नित नए उपाय खोजता रहता है। इन्हीं कारणों से खुदरा बाजार का मायाजाल मजबूत होता जा रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार दे रहा है। रिटेल क्रांति के कारण व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। बाजार के नए चलन और रुझान सामने आ रहे हैं। ये चलन और रुझान खुदरा बाजार के परंपरागत स्वरूप को भी प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान में भारत का उपभोक्ता बाजार विश्व में 12वें स्थान पर है। एक अनुमान के अनुसार सन 2025 तक भारत विश्व के उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से 5वें स्थान पर कब्जा कर लेगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रतिमिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।